नमस्कार, म्यूजिकल हेरिटेज में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जानी मानी भरतनाट्यम डांसर रमा वैद्यनाथन से। रमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। धन्यवाद। अब पहला सवाल तो रमा जी ये पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि जो भरतनाट्यम हम लोग जानते हैं, वो हम जानते हैं उसके ग्रेस की वजह से, उसकी प्योरिटी की वजह से, उसकी शुद्धता की वजह से, लेकिन एक कलाकार के तौर पर अगर आपसे मैं कहूँ कि भरतनाट्यम की पहचान क्या है, तो आप किस तरीके से डिफाइन करेंगी उसको? भरतनाट्यम में जो चीज़ अट्रैक्ट करती है लोगों को, वो है उसकी वर्सिटैलिटी। ये ऐसी एक नृत्य की भाषा है जिसके माध्यम से आप कुछ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और कुछ भी बात आप बता सकते हैं। ये तो है हमारी जो माइथोलॉजी है, राधा कृष्णा शिवा पार्वती, उन सब की कहानियाँ, वो सब तो बता ही सकते हैं, लेकिन इस ये जो लैंग्वेज है वो भाव और नृत्य का इक्वल इम्पोर्टेंस है। तो इसको हम एक लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, इसको हम बहुत स्ट्रांग मानते हैं। तो मुझे लगता है ये चीज़ बहुत एक खासियत है भरतनाट्यम में। आपका रमा जी सफ़र कैसे शुरू हुआ था भरतनाट्यम का? मेरा सफ़र ऐसा शुरू हुआ, मैं एक साउथ इंडियन फैमिली में मैंने जन्म लिया, तो साउथ इंडियन फैमिलीज़ में यूजुअली लड़कियों को गाना या नृत्य भरतनाट्यम सिखाते हैं, तो उसी तरह मुझे भी मेरी मम्मी ने भरतनाट्यम क्लासेस में ज्वाइन किया। और मेरी जो गुरु यामिनी कृष्णमूर्ति, वो जो बहुत ही विख्यात नृत्यांगना हैं, तो मेरी बहुत ही एक खुशकिस्मती है कि मुझे उनका मतलब उनके 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 साथ मैं रही 14 साल और उन्होंने मुझे सिखाया। और उसके बाद ऐसा होता है कि आमतौर से जब लड़कियां शादी कर लेती हैं तो उसके बाद फिर उनका जो नृत्य का जर्नी है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, क्योंकि शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आते हैं। और ऐसा हो सकता है कि जो फैमिली में लड़की जाती है वो शायद उसका जो मकसद है वो समझ नहीं पाते हैं। लेकिन मेरे साथ बिल्कुल उल्टा हुआ, क्योंकि मेरा जो डांस करियर है वो शादी के बाद ही पिकअप हुआ। क्योंकि मेरी जो शादी हुई तो मेरे हस्बैंड के माता जी पद्मभूषण गुरु सरोजा वैद्यनाथन, बहुत ही विख्यात गुरु, और उन्होंने गणेश नाट्यालय का स्थापना कुछ 35-40 बरस से उन्होंने अभी किया है, तो मैं उनके साथ फिर जुड़ गई और उन्होंने ही मुझे फिर गाइड किया आगे का सफ़र उन्होंने मुझे गाइड किया। Thank you.
तो ये बात हो गई, जैसा आपने कहा कि जब आप छोटी थीं और दक्षिण भारतीय परिवारों में जिस तरह का एक ट्रेंड होता है कि आपको भेजा गया कि आप सीखें, आप जाहिर सी बात है तब आपकी उम्र कम हो रही होगी काफ़ी, लेकिन जब आप बड़ी हुई और आपने जब तय किया कि मुझे डांसर बनना है, भरतनाट्यम डांसर बनना है, इसको सीखना है, बहुत अच्छे से करना है, तब सोच क्या थी, तब मकसद क्या था कि एक कलाकार बनना है, एक नामी गामी ग्रामी कलाकार बनना है या फिर एक नेक इंसान बनना है? भरतनाट्यम पहले सीखने का मकसद ये था कि मुझे बहुत पसंद था, और जब मैं प्रैक्टिस करती थी किसी प्रोग्राम को मन में रख के नहीं करती थी। तो पहला जो मेरा सफ़र रहा, मतलब जब मैं 20s में थी, तब बिल्कुल मैंने ना प्रोग्राम सोचा, ना नाम नेम फेम कुछ भी नहीं सोचा, बस मुझे वो करने में अच्छा लग रहा था। और तब मैंने ये भी नहीं सोचा था कि ये एक माध्यम है जिसमें से मैं एक अच्छा इंसान बन सकती हूँ या भगवान की ओर बढ़ सकती हूँ, तब मैंने नहीं सोचा था। लेकिन जैसे 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 मैं और भी धीरे धीरे डूबने लगी भरतनाट्यम के भीतर डूबने लगी, तब ही मुझे समझ में आया कि ये एक माध्यम है एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का। तभी मुझे लगा, तब मैं सीख रही थी तब मुझे नहीं लगा था, तब बिल्कुल एक डांस करने का मज़ा था, तब वही हुआ। उसके बाद फिर हमको लगता है चलो इतना मेहनत कर रहे हैं और सब बोल रहे हैं कि अच्छा लग रहा है, टैलेंट है, तो फिर क्यों ना आगे बढ़ के इसको शेयर करें, कुछ लोगों के सामने इसको दिखाएं। और तब फिर नाम और फेम आने की एक इच्छा बढ़ जाती है। तो वो तो लास्ट सेगमेंट था मेरा, उससे पहले नहीं था इसका। Yeah.
जो आपके गुरु हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, जो कि खुद एक लेजेंडरी हैं भरतनाट्यम डांसर में, वो और उनका और आपका जो रिश्ता था उसमें कहीं भी स्वीट टॉक नहीं थी। यानी वो ऐसा नहीं था कि वो आपकी हर परफॉर्मेंस के बाद कहती हूँ कि बहुत अच्छा, वेरी गुड, बल्कि डांट भी पड़ती थी कभी कभी। तो ये जो स्वीट टॉक होती है, यानी तारीफ करना अपने शिष्य की, ये कितना ज़रूरी है? ये किस तरह का इक्वेशन होता है गुरु और शिष्य के बीच? आपका इक्वेशन कैसा था? ये बहुत ज़रूरी है। स्वीट टॉक क्लास के बाद भी हो सकती है, लेकिन क्लास के समय में वो बहुत एक फोकस और डायरेक्ट होना ज़रूरी है। आपको भरतनाट्यम में रमा जी एक थिंकिंग आर्टिस्ट के तौर पर जाना जाता है, यानी जो ना सिर्फ कला को पेश करती हैं, प्रस्तुत करती हैं, बल्कि उसे प्रस्तुत करने के पीछे उनका एक तर्क होता है, एक सोच होती है। कितना ज़रूरी है ये? और जब कोई ये कहता है कि थिंकिंग आर्टिस्ट हैं, तो ये पहचान कितनी अलग पहचान होती है एक आम कलाकार से? ऐसा है कि कलाकार तो सभी बन जाते हैं, जो भी नृत्य शैली या कुछ भी सीखते हैं वो कलाकार तो बन ही जाते हैं। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक डांसर बनना और एक आर्टिस्ट बनना। तो आर्टिस्ट तब बनता है जब खुद की जो क्रिएशन होती है तब करने लगते हैं। और ये जो पूरा ये जो एक नदी बह रही है नृत्य की, भरतनाट्यम की जो नदी सदियों से बह रही है, उसमें अपना दो बूंद का कंट्रीब्यूशन देना एक ज़रूरी हो जाता है। और फिर तो तब हो पाएगा जब अपनी सोच से अपना ही एक एडिशन उस एवोल्यूशन को, एक इट्स अ वेरी हम्बल कंट्रीब्यूशन मैं तो मानती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा है तो एक हम्बल कंट्रीब्यूशन करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये डिफरेंस हो जाती है एक कलाकार में और एक जो एक कलाकार जो एक शैली की ओर बढ़कर कंट्रीब्यूशन करता है। इसी से जुड़ा मेरा दूसरा सवाल भी था रमा जी। मैंने कई कलाकारों ने मुझसे ये बात कही, ना सिर्फ मतलब डांसर्स ने कही, कई वोकलिस्ट ने कही, इंस्ट्रूमेंट्स वालों ने कही कि हर चीज़ के पीछे, आप कोई राग बजा रहे हैं, आप कोई तान ले रहे हैं, आप कोई स्टेप कर रहे हैं, उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, एक वजह होनी चाहिए। आप सहमत हैं इस बात से? और मैं तो एक स्टेप आगे भी बढ़ूंगी, एक वजह तो होनी चाहिए और हर चीज़ जो हम करते हैं उसमें कन्विक्शन होना चाहिए कि मुझे खुद का कन्विक्शन होना चाहिए कि मैं ये जो कर रही हूँ, ये मैं सोचती हूँ ऐसा करना चाहिए और ये ऐसा ही करना चाहिए। तो वो खुद जब कन्विक्शन हो जाती है तो खुद रीज़न भी बन जाता है। ये बिल्कुल बात सही है और मुझे लगता है हर कलाकार को स्ट्रेंथ ऑफ कन्विक्शन के साथ काम करना चाहिए। आपने इंटरव्यू की शुरुआत में कहा कि कम्युनिकेशन का बहुत सशक्त माध्यम है भरतनाट्यम। मैंने जितना देखा और मुझे लगा कि शायद जो आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं या जो सशक्त माध्यम की तरफ आप बात कह रही हैं, आप शिव पार्वती या राधा कृष्ण से अलग
जो सोशल मुद्दे हैं, जो समाज से जुड़े मुद्दे हैं, एड्स अवेयरनेस हो गया, उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग जैसे जो इश्यूज हैं, जो विषय हैं, उनको भी आपने भरतनाट्यम से जोड़कर देखा, ये नज़रिया कहाँ से आया? मुझे लगता है क्योंकि एक डांसर समाज की ओर उनका उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाता है। जैसे एक डॉक्टर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डांसर का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम इतनी पुरानी ट्रेडिशन को हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी इस ट्रेडिशन को कैरी फॉरवर्ड करने में भी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी इस 21st सेंचुरी के ग्लोबल सिटीजन होने का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तब बहुत ज़रूरी है कि डांसर को सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है कि आगे पीछे क्या हो रहा है, और मैं अपने नृत्य के माध्यम से इसको, इस इशू को कैसे एड्रेस कर सकती हूँ, इस इशू का हल कैसे मैं निकाल सकती हूँ, ये एक बात। दूसरी बात मुझे लगता है, ऑफकोर्स हिंदू ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ जो कहानियाँ हैं, कहानी है राधा कृष्ण शिव पार्वती, मुझे लगता है इससे भी ऊपर जो है, रिलीजन से भी ऊपर है स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी, जो किसी रिलीजन से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इस थीम्स को भी लेके हम इस भरतनाट्यम के माध्यम से हम दिखा सकते हैं, क्योंकि भरतनाट्यम इट्स नॉट कनेक्टेड टू हिंदुइज्म ओनली, ये सोच हमको बदलना बहुत ज़रूरी है, और ये तभी हो सकता है जब डांसर अपने आप को बहुत रिस्पॉन्सिबल समझेगी। आप विदेशों में भी परफॉर्म करती हैं और आपके पास बहुत सारे बच्चे यहाँ सीखने भी आते हैं आपके इस संस्थान में, जो जो अभी जो मौजूदा हालात हैं इस कला के, भरतनाट्यम के, कितना उससे संतोषजनक है, कितना कितना सेटिस्फाइंग है आपके लिए? कहीं ऐसा तो नहीं लगता आपको कि बहुत ज़्यादा हावी होता जा रहा है पॉपुलर म्यूज़िक? नहीं नहीं, मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, मुझे तो लग रहा है कि ये बहुत आगे बढ़ेगा, और हमारी जो युवा पीढ़ी है वो और धीरे धीरे इसकी ओर बढ़ रही है, और ये जो सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट है, जिनको जो जो करना है वो तो अपना सब कर ही रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा अगर कुछ कमी रह गई है वो है प्राइवेट सेक्टर की जो स्पॉन्सरशिप है, क्योंकि गवर्नमेंट जो जिस गवर्नमेंट को जितना करना था वो तो कर ही रही है, क्योंकि एक पूरी देखिए डीडी भारती एक चैनल है पूरा क्लासिकल म्यूज़िक और डांस के लिए, और बाकी सारे कल्चरल जोनल सेंटर्स हैं, और कल्चरल डिपार्टमेंट के जो ग्रांट्स हैं वो सब कुछ कर रही है। मुझे लगता है प्राइवेट कंपनीज को स्पॉन्सरशिप करना बहुत ज़रूरी है, तो ये एक बात की कमी मुझे लगती है। रमा जी, मैंने कई बार ये बात सुनी है लोगों से कि जो नृत्य और गायन और वादन, अगर ये तीनों चीज़ों का रिलेशन अगर करते हैं लोग, तो कहते हैं कि जो गायन है वो किसी के अधीन नहीं है, जबकि वादन जो है वो गायन के अधीन है, और नृत्य जो है वो वादन और गायन दोनों के अधीन है। क्या सहमत हैं आप इस बात से? नहीं, बिल्कुल ये बात सही है कि एक नृत्यांगना को साथ देना बहुत ज़रूरी है म्यूज़िकल एंसेंबल। हमारे में तो और भी है, हमारा नटुअंगम है, मृदंगम है, गाना है, फ्लूट है, वायलिन है, और अगर वो लाइव ऑर्केस्ट्रा नहीं है तो रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड भी वो आके बजाए ना आपके लिए, ऊपर से तो नहीं गिरे हैं, तो ये सब तो ज़रूरी है, मैं मानती हूँ। लेकिन अगर आप कहते हैं कि म्यूज़िक के बिना डांस, आप ये सोच रहे हैं, तो ये देखिए, वैसे तो देखा जाए तो रिदम तो पूरी दुनिया में रिदम है, हमारे हाथ बीट से लेके सीज़न का जो चेंज है, नाइट एंड डे का चेंज है, जिस तरह से हम ब्रीथ करते हैं, वो सब एक रिदम में है, हम जो चलते भी हम रिदम में हैं। तो जब हम नृत्य करते हैं तो मुझे लगता है यस, अगर हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, मुझे लगता है वो भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि उनका भी रिदम और मेलोडी हमसे इंस्पायर हो रहा है, जिस तरह से एक स्कल्प्टर डांसर को इंस्पायर करके, डांसर से इंस्पायर होके बनाता है अपनी जो शिल्पी, लेकिन मुझे लगता है म्यूजिशियंस भी डांसर को लेके इंस्पायर होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी किसी के ऊपर मोहताज नहीं है, मुझे लगता है मिलजुल कर आर्ट क्रिएट करते हैं। रमा जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत 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 धन्यवाद। तो ये थी जानी मानी भरतनाट्यम डांसर रमा वैद्यनाथन। म्यूजिकल हेरिटेज में अगली बार एक और बड़े कलाकार के साथ, एक और नए कलाकार के साथ आपकी हम मुलाकात कराएंगे, और कोशिश करेंगे अपनी परंपराओं को, अपनी जड़ों को शास्त्रीय संगीत के जरिए खोजने की। नमस्कार।